दबा दौरे पर योगी आदित्यनाथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी गए योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को दी चाबी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का होगा समापन। रायबरेली में प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी समापन। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का होगा समापन। रायबरेली में प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी समापन। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का होगा समापन। रायबरेली में प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी समापन। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का होगा समापन। रायबरेली में प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी समापन। वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का होगा समापन। रायबरेली में प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगे समापन। छात्राओं ने लगाया झाड़ू, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल। इस वीडियो के आधार पर हुई शिकायत, कॉलेज की शिकायत ट्विटर के माध्यम से हुई। एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीएम से हुई शिकायत, ट्वीट कर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की उठी आवाज। छात्राओं ने लगाई झाड़ू, झाड़ू लगाने का वीडियो हुआ वायरल। इस वीडियो के आधार पर हुई शिकायत, कॉलेज की शिकायत ट्विटर के माध्यम से हुई। एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीएम से हुई शिकायत। और इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं आगरा से। ममता, किस तरह की ये तस्वीरें सामने आई और किस वजह से इन छात्राओं को झाड़ू लगानी पड़ी, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल शिखा, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल, 12 सेकंड का जो वीडियो है, इसमें साफ तौर से दिख रही है कि जो दयालबाग जो कॉलेज है वहाँ की जो छात्रा है, साफ तौर से सुबह 5 बजे ये झाड़ू लगा रही है, रात के अंधेरे में ये झाड़ू लगा रही है और कॉलेज प्रशासन के जो जो इन पर दबाव है उसकी वजह से ये झाड़ू लगा रही है। और वही एक छात्रा का साफ तौर से उस वीडियो में कहना भी है कि यहाँ जो दयालवाल जो कॉलेज है इसमें कोई भी एडमिशन ना ले, अगर एडमिशन लेंगे तो इसमें इसी तरह से झाड़ू लगाने पड़ेगी। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि जहाँ योगी की सरकार में, जहाँ योगी जी की सरकार में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो वही इस नारे का बिल्कुल पलट दिख रहा है कि बजाय पढ़ाई के यहाँ छात्राओं को साफ तौर से झाड़ू और लगवाता है स्कूल प्रशासन। कि क्या कॉलेज में सफाई कर्मचारी नहीं है, क्योंकि जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को सफाई और छात्रों को पढ़ाई, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही दिख रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो छात्राएं झाड़ू लगा रही हैं, तो इससे तो साफ नजर आता है कि या तो कॉलेज में सफाई कर्मचारी नहीं है, और अगर है तो कॉलेज प्रशासन या तो किसी दबाव की वजह से इनको जो सफाई कर्मचारियों का जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम है, तो इसलिए कॉलेज प्रशासन छात्राओं से बजाय पढ़ाई के लिए झाड़ू लगवाता है। जी ममता, आपने बताया कि सुबह 5 बजे झाड़ू लगवाई जा रही है, जिस वक्त सही से रोशनी भी नहीं होती, तो ये प्रताड़ित करने की वजह क्या कुछ सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस तरह की वीडियो 12 सेकंड का जो वीडियो है, इसमें फिलहाल अभी जो छात्रा है इस बात को कह रही है कि जो इस कॉलेज में कोई एडमिशन ना ले, क्योंकि वो साफ तौर से दिख रही है कि वो प्रताड़ित है, परेशान है कि जिस तरह के पढ़ने की बजाय उनसे झाड़ू लगवाई जा रही है। और जिस तरह की 5 बजे की बात है, तो 5 बजे की जो एक ट्विटर के माध्यम से ये खबर सामने आई है, जो मनीष कुमार करके, मनीष वर्मा करके जो है, उन्होंने योगी जो आईजी रहे जो और जिलाधिकारी महोदय को जो ट्वीट किया है, उसमें साफ तौर से उन्होंने लिखा है सुबह 5 बजे, और देखा जा रहा है कि वीडियो में साफ तरह बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और जिस समय वो झाड़ू लगा रही है। जी, तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, कॉलेज परिसर की तरफ से कोई सफाई दी गई है? जी बिल्कुल, अधिकारियों से जब बात की गई तो तत्काल प्रभाव से उन पर कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की बात की गई है। जी, तो कॉलेज के द्वारा क्या कोई सफाई दी गई है, कोई बयान सामने आया है अभी तक? फिलहाल
कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई सफाई, कोई बयान नहीं आया सामने, क्योंकि कॉलेज प्रशासन मीडिया के आगे आने से, बिल्कुल मुखातिब होने से मना कर रहा है। जी ममता, इस वीडियो में 3 से 4 छात्राएं नजर आ रही हैं, कम से कम कितनी छात्राएं इसमें शामिल नजर आ रही हैं? जिस तरह की वीडियो में 3 से 4 छात्राएं हैं, लगभग वीडियो के आधार पर तो 3 से 4 छात्राएं ही हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ज्यादा भी हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता ममता जुड़ी थी। तो कॉलेज परिसर से ये वीडियो सामने आया है और वायरल होते ही अब जांच की मांग उठ रही है। फतेहपुर में बाइक बनी आग का गोला, फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। धू धू कर जलने लगी बाइक, बाइक खड़ा करके भागा युवक। जाफरगंज के कसाईपुर गांव का मामला, फतेहपुर में बाइक बनी आग का गोला, धू धू कर